आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब C2 जिला तरनतारन द्वारा हलका विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री के दफ्तर के आगे धरने के चौथे दिन भी काली पट्टियां बांधकर नारेबाजी करते रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आगू जिला सेक्रेटरी श्रीमती बेअंत कौर टोटिया, मीत प्रधान नरेंद्र कौर और मीत सेक्रेटरी श्रीमती वीर कौर आमल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जो 3 से 6 साल के बच्चों को प्री नर्सरी क्लासेस शुरू करके प्राइमरी स्कूल्स में दाखिल करने का फैसला लिया गया है, ये सीधे तौर पर जिले के 54,000 वर्कर्स तथा हेल्पर्स के साथ धक्केशाही की गई है। सरकार ने आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन के साथ बातचीत किए बिना ही ये फैसला लागू कर दिया है, जिसका वह एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन कर रही है। मेरा नाम बेअंत कौर, जिला सेक्रेटरी पिंड टोटिया, आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन C2 के नाल मैं जुड़ी हुई हाँ बड़े लंबे समय तो। साडा धरना अज चौथे दिन दे विच शामिल आ। अग्नि डॉक्टर अग्निहोत्री की कोठी के मूहरे मुख दफ्तर के मूहरे लाया होया, तो ये जी कैप्टन की सरकार आ इन्ने वारी मीटिंगा का टाइम दे के भज गई है। सानू मीटिंग करन दा टाइम ही नहीं देंदे गए, कोई भी सानू अज मिलदे भलके मिलदे आ, टाइम बदली जाते हैं तो साढ़े ना कोई मीटिंग का टाइम नहीं देंदे। टाइम देन कोई मीटिंग का तो साड़ी समस्या हल कर, नहीं तो साढ़े 30 तरीक तक 22 तो 30 तक धरना लगा होया। जे 30 तरीक तक भी मसला ना हल किया तो धरना लगातार यही चलूगा, दिन रात का धरना। साड़िया बीबियां बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, मेरी जिला प्रधान अनूप कौर बेबे मेरी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, रात लैके गए, एक सिर्फ नाल खिलारे है, तो बहुत मंदा हाल है। हुई धर्मवीर अग्निहोत्री ने कहा अज 25 तरीक अज विधानसभा के साड़ी मीटिंग साड़ी मंग उठावे भी जो भी होया मंग के उत्ते पहरा देवे। साडा 22 तो लैके 30 तक जारी आ। अज रात नूं असीं जागो कढ़ के एक काली बोली सरकार कन्नां तों बोली होई पई अखां तों दिसनों हट गया, इन्हां नूं असीं रात नूं जगाउण वास्ते जागो कढ़नी आ।